हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बैंक में ग्रीन चैनल काउंटर पर जो है आप कैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर ग्रीन चैनल के द्वारा कैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल पर आइए इस एड्रेस पर और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ घंटी क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेक करके सेव कर देना है आपको। आप मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइब हो जाओगे, उसके बाद सारा लेटेस्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ जल्द से जल्द जो है मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ग्रीन चैनल के द्वारा कैसे फंड ट्रांसफर किया जाता है बैंक में। अभी जाइएगा तो पहले क्या होता था कि आप बैंक में जाते थे, वहां पर स्टाफ रहता था, उसको आप पेमेंट देते थे, वो ट्रांसफर कर देता था आपका पैसा इधर उधर जहाँ। लेकिन अभी क्या है कि मशीन आ गया ग्रीन चैनल, उसके द्वारा आपको खुद से करना होता है सब कुछ। तो नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उतना पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनको जानकारी नहीं होता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा नॉलेज हो सके इस सिस्टम के बारे में। और अगर नॉलेज हो जाएगा तो आप जो है ग्रीन चैनल के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है आपको ये चीज़। मेरे पास कुछ स्क्रीन शॉट्स है, उसके हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, और खुद भी समझो और दूसरों को भी आप समझाओ, ठीक है। क्योंकि बैंक में जाके फंड ट्रांसफर करना ये रोज लोगों का आम बात है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको डेली डेली करना पड़ सकता है। तो यह चीज़ अगर आप सीख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं आपको सिखाता हूँ। तो ग्रीन चैनल के द्वारा आपको कैसे करना है, इस तरह का मशीन होता है। आप बैंक में जाओगे तो इस तरह का मशीन रहेगा ग्रीन चैनल, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ग्रीन चैनल काउंटर, ठीक है। तो इससे आप जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे इससे जो है फैसिलिटी मिलती है। तो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ फंड ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, एक चीज आपको करना है कि डेबिट कार्ड से यहाँ पर जो है आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आपके पास भी जो है SBI का अकाउंट होना चाहिए, और जिसको फंड ट्रांसफर करना है उसके पास भी आपको SBI का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ATM के थ्रू कैसे पेमेंट आप ट्रांसफर करोगे ग्रीन चैनल के माध्यम से, वो बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जब आप जो है स्वाइप करोगे, आपका ग्रीन चैनल में जो आपको ATM कार्ड स्वाइप करने के बाद आपको अकाउंट नंबर आएगा, उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर आएगा जिसको आपको पैसा ट्रांसफर करना है। तो उसका भी SBI का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप SBI बैंक में ग्रीन चैनल हो, इसलिए SBI to SBI फंड ट्रांसफर होगा, ठीक है। अलग अलग बैंक में आपका अलग अलग जो है वहाँ पर फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि SBI में आप आए हो इसलिए मैं SBI के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप स्वाइप करो, अकाउंट नंबर आएगा, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद जो है कार्ड को जो है आपको यहाँ पर स्वाइप करना है, ठीक है, आपको स्वाइप करना है, यहाँ स्वाइप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो इसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है फंड ट्रांसफर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन बटन रहेगा, ग्रीन बटन को यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है उंगली से। उसके बाद जो है आपको अकाउंट नंबर में आएगा, अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर डालना है जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है अकाउंट नंबर डालने के बाद ग्रीन बटन जो रहेगा वहां पर वो क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है जिस जो अकाउंट नंबर डाला है वो अकाउंट नंबर और उसका नाम आपको शो होगा, उसको आप कंफर्म करना है। अगर कंफर्म करके वो सही है तो ग्रीन जो ये बटन दिया गया है ग्रीन कलर का, उसको आपको क्लिक कर देना है, दाब देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, मान लीजिए आपने 7,000 रुपीज डाला। उसके बाद आपको ग्रीन बटन जो रहेगा उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो आपने अमाउंट किया है 7,000 इंटर, उसको कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो आप जो है हरा बटन को क्लिक करके कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ATM कार्ड डेबिट कार्ड का पिन नंबर मांगेगा, चूंकि आपने पेमेंट जो है डेबिट कार्ड से करना है इसलिए डेबिट कार्ड का पिन नंबर आपको मांगेगा यहाँ से। तो आपको पिन है, उसके बाद ग्रीन बटन को क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो पेमेंट ट्रांसफर किया है उसका रिसिप्ट जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जब
थोड़ा देर के बाद जो है रिसिप्ट वहां से निकल जाएगा, उसको आपको फाड़ के आपको ले लेना है, या फिर आपका जो बैंक का स्टाफ है वो आपको फाड़ के दे देगा। तो इस तरह से जो है ग्रीन चैनल काउंटर पर आप जो है फंड को ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी बैंक में। ठीक है, मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बताया, लेकिन किसी भी बैंक में जाओगे तो इसी तरह का जो है वहाँ फैसिलिटी रहता है। अगर इस चीज़ को सीख लिया तो आप किसी भी बैंक में कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से किसी भी बैंक में जो है ग्रीन चैनल के द्वारा आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों ये मेरा ब्लॉग है, इस ब्लॉग पर जरूर आइए, यहाँ कांटेक्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर निकाल के ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं। और इस ब्लॉग पर आइए, यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे ब्लॉग पर जो भी लेटेस्ट पोस्ट है आपको मिलता रहे। दोस्तों फिर से आपको सब्सक्राइब करना बता देता हूँ, इस चैनल पर आके इस एड्रेस पर सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है, उसके बाद घंटी क्लिक करना है, उसके बाद सेव कर देना है, आप सब्सक्राइब हो जाओगे, मेरा सारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये जो लिंक्स है इनको फॉलो जरूर कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। ये सारे लिंक्स को फॉलो कीजिए आप जरूर से। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन हो, डाउट हो, वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपके डेली कॉमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे और आप वॉच कर सको, तो जैसे मैंने बताया वैसे मेरे वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।